बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद सजाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मलिक सजाद रज़वी यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में एक ऐसी अहम वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जिसका फ़ैसला मैं नहीं बल्कि आप करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैंने अपने एजुकेशनल मिनिस्टर मुराद राज साहब के ट्विटर अकाउंट से डाउनलोड किया। उन्होंने दो दिन पहले ये ट्वीट किया कि मुझे ये बंदा चाहिए, जिस जगह से वीडियो बनी है उस जगह की आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा और जिस स्कूल से ये जगह बनी वो स्कूल है कहाँ पे। उसने कहा कि आप में से कौन है जो मुझे आइडेंटिफाई करवाए कि ये वीडियो कहाँ से बनी, ये स्कूल कहाँ पे और ये टीचर कौन है। वीडियो कुछ इस तरह से है कि एक टीचर क्लास में टीच करते हैं, किसी ने वीडियो बनाई, वो इस्लामियत का लेक्चर लेते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सोच में पड़ गया हूँ ये वीडियो देख के कि मुरादराज साहब ने इस वीडियो को आखिर अपलोड क्यों किया, उसकी रीज़न क्या है। ये फैसला आप करेंगे, आप मुझे बताएंगे। अभी आप वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप मुझे बताएंगे कि क्या वो टीचर रॉन्ग है, वो टीचर की मेथडोलॉजी रॉन्ग है, वो टीचर बच्चों को जो टीच कर रहे हैं क्या उनका जो मटीरियल जो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अथेंटिक नहीं है, क्या उन टीचर का लबो लहजा दुरुस्त नहीं है, मतलब आखिर उस टीचर में या उस मटेरियल में या उस मेथडियोलॉजी में क्या प्रॉब्लम है कि जिसका मुराद राज साहब ने स्पेशली उसको कहा मुझे फाइंड आउट करके बताएं ये बंदा है कौन, ये टीचर कौन है। तो क्या वो टीचर जो वो टीच कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है? क्या ऐसा टीचर को इस तरह टीच करना चाहिए या नहीं टीच करना चाहिए, आप बताएंगे? या क्या मुरादरा साहब ने उस बंदे को फाइंड आउट करना, टीचर को फाइंड आउट करना, क्या ये दुरुस्त है? हाइडलाइट करना कि ये दुरुस्त है, उसके बारे में इस तरह का रिएक्शन और रवैया रखना मुरादरा साहब का, क्या ये दुरुस्त है? आप फैसला करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मुझे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये टीचर बीएंग का टीचर, मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे ये पेन हुई है स्पेशली कि वो जो टीचर टीच कर रहे हैं या तो वो टीचर ठीक नहीं है, उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका पढ़ाने का तरीक़ाकार या तो वो ठीक नहीं है, या वो जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, या बच्चों को वो हर चीज़ दुरुस्त पढ़ा रहे हैं, जो मटेरियल प्रोवाइड किया वो भी दुरुस्त है, तो फिर मुरादराज साहब ने क्यों कहा कि मुझे वो टीचर चाहिए, मुझे वो स्कूल बताइए कहाँ पर स्कूल? दोनों में से कुछ कहीं तो गड़बड़ है। तो फैसला इसलिए मैंने कहा कि आप करेंगे, मुझे बताएं वो गड़बड़ है कहाँ पर, वो प्रॉब्लम है क्या, क्या मुरादराज साहब ठीक नहीं है, उन्होंने मुरादराज साहब ने गलत कहा, या वो टीचर का प्रोसेस ठीक नहीं है, या वो जो पढ़ा रहे हैं ऐसा ठीक नहीं है? फैसला आप करेंगे, वीडियो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मतलब की नबी के बारे में बात करे, किसी भी नबी के बारे में बात करे उसको काट के रखे। सरकार ने फरमाया, नारा सुना हुआ गुस्ताख के नबी की, एक सलाम याद है नारा सारा। इस वक्त पर जो मौजूदा सूरत हाल है ना, आलम कुबर चाहता है कि जो सारे बच्चे ने ना नबी के गुलाम, साड़ी भी कोई फिक्र नहीं सी कि होटो चौ साल उन्नीस साल बाहर ही जाना, लेकिन जो तुम सारा सरमाया हो पाकिस्तान का, वह कहते ना बच्चे नाप के रखो, थे इन्होंने बच्चों नाप के रखो, इन्होंने बच्चों में सिर्फ खेड तो लाओ, गेंद बल्ले तो लाओ, जनाब हाकी तो लाओ, इन्होंने कदम आया ना पता चले कि असं जनाब कश्मीर से जाकर अपने मुसलमान भराने की मदद करनी है, असं कल जवान होकर फलस्तीन से जाना है, असं जनाब शाम से जाना, असं बर्मा से जाना, वो कहते हैं इन्होंने ना दसो, अगर यह दसो तो सारा नुकसान होगा, लेकिन असं सीखना सारा कुछ, क्या तुम नहीं जाते कल कश्मीर के साथ मुसलमान भरा भैन भाव से जुलम हो रहा है कश्मीर से जाइए और नारा तुम याद करना है, नारा मैं लगा मन सबा नबी यंग, तुम कहना फाक तो दू दू, हर बच्चा इस नाम याद करे हदीसे मुबारक है सरकार की हदीस है, की मन सबा नबी यंग फाक तो दू, मन सबा नबी यंग तुम कहना फाक तो लू हू, मन सबा नबी यंग, मन सबा नबी यंग, मन सबा नबी
ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਦਾਰ ਖਤਮ ਰੂਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਉਵੇਂ ਨਾਰਾ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੋਗੇ ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਣੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨ ਸਭ ਪਾ ਨਬੀ ਯੰ ਮਨ ਸਭ ਪਾ ਨਬੀ ਯੰ ਮਨ ਸਭ ਪਾ ਨਬੀ ਯੰ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਨਬੀ ਨੇ